वेलकम फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि हम लोग रूट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। दो तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ड्स की। पहला मेथड तो आपका होगा कि हम लोग ग्रुप्स कर देंगे, ग्रुप वी विल बी क्वालिफाइंग डिफरेंट वर्ड्स एज पर दी डिफरेंट ग्रुप्स। दूसरा मेथड हम लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे कि दूसरे मेथड में हम लोग रूट्स की ओर जाएंगे, जो जेन्युइन मेथड है, ऑथेंटिक मेथड है, जिससे आपको कोई भी वो कैटेगरी हो, बी एड कैट, बी एड मैट, बी एड एसएटी, बी एड बैंक पीओ, क्लेरिकल, एसएससी, एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है जहाँ पे हम लोग रूट्स की ओर जाते हैं। बिकॉज रूट अगर आपने पकड़ ली तो उसके बाद वो तो चेंज, रूट तो चेंज होनी नहीं है, बस वर्ड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हो क्या सफिक्स मिला है। देखिए, दो पार्ट होते हैं हमारे वर्ड में, एक पार्ट तो होता है प्रीफिक्स और एक होता है उसका सफिक्स। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने पहले भी क्लास में आपको बोला है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। तो ये जो वर्ड है प्री नेटल, इसमें प्री जो है वो है प्रीफिक्स और नेटल है सफिक्स। सिमिलरली पोस्ट है प्रीफिक्स, नेटल है सफिक्स। तो हमें एक वर्ड के लिए एक प्रीफिक्स चाहिए होता है और एक सफिक्स चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड देखते हैं, ए ओब्लिक एन। तो हमारे को ग्रीक में ए ओब्लिक एन को कहा गया है कि नॉट या विदाउट, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में, सॉरी किसी वर्ड में ए ओब्लिक एन आता है तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि या तो ना या फिर विदाउट, मतलब उसके बगैर। तो पहला वर्ड आता है हमारे पास एबिस। एबिस मतलब विदाउट बॉटम। तो हम लोग एबिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ए ऑब्लिक एन को ग्रीक में क्या कहा गया है, नॉट या विदाउट। एबिस क्या हुआ, विदाउट बॉटम, यानी कि ए क्या हुआ, विदाउट, और जो बी वाई डबल एस है उसका मीनिंग आया बॉटम, तो विदाउट बॉटम। ए क्रोमेटिक, देखिए आपने क्रोमेटिक वर्ड का क्रोमेटिक वर्ड सुना होगा पहले भी, जैसे आप लेंसेज की बात करते हैं फोटोक्रोमेटिक। सो क्रोमेटिक का मतलब क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट कलर। तो ए क्रोमेटिक, ए का मतलब क्या था हमारा, विदाउट, यानी कि ये क्या हो गया, विदाउट कलर। फिर क्या है, एनहाइड्रस। हाइड्रा जो इसका सफिक्स है उसका मीनिंग होता है वाटर। कहीं पे भी आपको हाइड्रा रिलेटेड वर्ड आ जाएगा तो आप क्या मीनिंग समझेंगे उसका, वाटर। एनहाइड्रस, देखिए यहां पे एन आ गया, विदाउट वाटर। तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप लोग चीजों को रटते रहें, अगर आप रूट्स को पकड़ लेते हैं, देखिए कितना इजी है, आपको मजा आ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे एक ही साथ तीन तीन चार चार पांच पांच वर्ड एक साथ एक बार में सीख पा रहे हो। ये इस रूट्स को पकड़ने की एक आर्ट है। इस आर्ट को अगर आप पकड़ लोगे तो बहुत ही मजेदार है। आप ज्यादा भी इसमें कुछ करना चाहते हो तो 30 डेज टू वोकैबुलरी ये बुक आती है नॉर्मन लेविस की, फंकल लेविस की, उसको भी आप देख सकते हो, मेरे साथ कंटिन्यूसली आप पढ़ सकते हो। तो एक्टिवली अगर हम लोग देखें तो हम लोग 1500-2000 वर्ड्स की वोकैबुलरी ही इन्हीं क्लासेस में डेवलप कर लेंगे अगर हम लोग आगे कंटिन्यू लेसन को कंप्लीट करते रहते हैं। देखिए ए को लैटिन में कहा गया है क्या, ऑन। ऑन क्या है, अ फायर। फायर आपको पता ही है, यानी कि ऑन फायर। अ शोर, शोर मतलब आपको पता ही है, मतलब कि समुद्र का किनारा, यानी कि ऑन शोर। अ साइड मतलब आपको पता ही है, साइड क्या है, साइड। तो ऑन साइड क्या, ए साइड क्या हो गया, ऑन साइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए ऑब्लिक ए बी ऑब्लिक एस, यानी कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ए मिल जाता है, ए बी मिल जाता है, ए एस मिल जाता है, तो वो क्या हमारा मीनिंग रहेगा। देखिए लैटिन में ए ओब्लिक ए बी ओब्लिक एस अगर कहीं पे लैटिन में आता है तो हमारा उसका मतलब होता है फ्रॉम, अवे या ऑफ। बेसिकली फ्रॉम का तो हुआ एक रिलेटिव पार्ट, अवे मतलब दूर करना हो गया, यहाँ पे ऑफ मतलब अलग करना हो गया। देखिए एबडक्ट, एबडक्ट क्या हो गया, एबडक्ट का मीनिंग सीधा क्या हो गया यहाँ पे, टू टेक समबडी अवे बाय फोर्स। टेक समबडी अवे बाय फोर्स, जिसे आप किडनैप बोलते हैं, दैट इज एबडक्ट। एब नॉर्मल, एब का मतलब क्या है, अवे, तो यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉट नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल कह सकते हो, नॉट नॉर्मल कह सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। एबसेंट, एबसेंट अवे फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट या ऑफ प्रेजेंट, यानी कि अवे फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट, यानी कि नॉट प्रेजेंट। एवर्शन, व्हाट इज एवर्शन, एवर्शन क्या है, इट इज
ए पाथ अवे, इट इज अ पाथ अवे. नाउ एब्रीविएट, एफ अगेन एब्रीविएट का मतलब क्या है, टू शॉर्टन, छोटा करना. यानी कि देखिए एफ क्या हुआ, अवे, यानी कि जो आपने बहुत बड़ी चीज थी उसको अलग करके क्या कर दिया आपने, बहुत छोटा, एब्रीविएट मतलब टू शॉर्टन. तो आपने क्या देखा कि आपने सिर्फ तीन रूट्स पढ़े, लेकिन तीन रूट से आपने कितने वर्ड यूज करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हम लोगों ने 11 वर्ड्स को एक साथ कंप्लीट कर लिया, छोटी छोटी रूट्स को जान के. तो अगर आप रूट्स को वर्क करते हैं, दोबारा मैं रिपीट करा देता हूं आपको, ए ऑब्लिक एन को ग्रीक में नॉट या विदाउट की ओर लेके जाएंगे, ए को हम लोग एन को लैटिन में ऑन का मतलब ऑन समझेंगे, ए ऑब्लिक ए बी ऑब्लिक एस को हम लोग फ्रॉम अवे ऑफ तरह से लेके जा सकते हैं, फिर रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उनको हम लोग रूट्स की तरह याद कर सकते हैं. तो हम लोगों ने आज ये सारे वर्ड्स कंप्लीट करे हैं. अगर आपको ये मेथड आपको अच्छा लगा, रूट्स वाला मेथड, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेट मी नो, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन आएगा कि मैं ये लेक्चर्स को और डिलीवर करता रहूं आप लोगों को, ये लेक्चर्स और मिलते रहे, एक रिपोजिटरी जनरेट होती रहे फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस. थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो, शेयर योर शेयर द वीडियोस, कमेंट, सब्सक्राइब. And whatever you want, you can let me know. Thank you.